तो दोस्तों, चाहे सुपर हीरो हो या सुपर विलेन, दोनों को ही जरूरत पड़ती है एक हथियार की। और एक पावरफुल वेपन के बिना ना तो हीरो दमदार लगता है और ना ही विलेन। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हम अब तक कई सारे खतरनाक हथियार देख चुके हैं और अब वक्त आ गया है इन हथियारों को रैंक करने का। आज हम एमसीयू के टॉप 10 पावरफुल वेपन्स की बात करेंगे और जानेंगे कौन सा हथियार सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो आइए, अब तक हमने एमसीयू में कई सारे वेपन्स देखे हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ उन्हीं 10 हथियारों की बात करेंगे जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो चलिए उल्टी गिनती शुरू करते हैं। नंबर 10 पे है कैप्टन अमेरिका शील्ड। हॉवर्ड स्टार्क की बनाई हुई ये शील्ड कैप्टन अमेरिका का मेन वेपन है। वैसे तो एक ढाल सिर्फ बचाव के लिए ही काम आती है, लेकिन स्टीव रॉजर्स इसे हमले और बचाव दोनों के लिए ही इस्तेमाल करता था। प्योर वाइब्रेनियम से बनी हुई ये शील्ड वजन में तो काफी हल्की है, लेकिन बेहद मजबूत है। इस पर गोलियों और बॉम्ब का कोई असर नहीं होता। इस शील्ड को सही तरीके से फेंके जाने पर ये घूम फिर के अपने यूजर के पास ही वापस आती है। इस ढाल को तोड़ना बहुत मुश्किल है, इसे सिर्फ वाइब्रेनियम से स्ट्रॉन्ग मेटल से ही तोड़ा जा सकता है। वैसे तो कैप्टन की ये शील्ड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वेपन है, लेकिन ये दूसरे हथियारों से ज्यादा फंक्शनल और पावरफुल नहीं है, इसीलिए ये नंबर 10 पे है। नंबर 9 पे है कॉर्वस ग्लेव्स ग्लेव। इन्फिनिटी वॉर में हमें थैनोस की आर्मी यानी चिल्ड्रन ऑफ थैनोस दिखाए गए, जिसमें से एक था कॉर्वस ग्लेव। कॉर्वस के पास एक हथियार था जिसे ग्लेव कहा जाता है। ये एक बहुत ही मजबूत हथियार है जो कि वाइब्रेनियम से भी स्ट्रॉन्ग मेटल से बना है। ये हथियार यूनिवर्स की किसी भी चीज को आसानी से काट सकता है। वाइब्रेनियम की बॉडी को भी चीर दिया था। हाइंडल जैसा ताकतवर एस्गार्डियन भी इसी हथियार से मारा गया। यहाँ तक कि खुद कॉर्वस भी अपने ही इस ग्लेव से मरा। इसके अलावा ये हथियार एनर्जी ब्लास्ट को भी डिफ्लेक्ट कर सकता है। नंबर 8 पे है डबल एज स्वॉर्ड। एवेंजर्स एंड गेम में हमें पहली बार थैनोस की दोधारी तलवार नजर आई। ये डबल एज स्वॉर्ड थैनोस का मेन वेपन थी, जिससे वो पहले लोगों को मारा करता था। वैसे तो हमें थैनोस इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हुए नजर नहीं आया, लेकिन जब उसने इसका इस्तेमाल किया तब उसने इससे तबाही मचा दी। इस स्वॉर्ड ने आयरन मैन और थॉर की कंबाइंड पावर को भी संभाल लिया था। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इस स्वॉर्ड ने कैप्टन की वाइब्रेनियम शील्ड को भी तोड़ दिया था। कॉर्वस का ग्लेव और थैनोस की स्वॉर्ड दोनों एक ही मेटल से बने हैं, जो कि वाइब्रेनियम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर 7 पे है याका एरो। ये छोटा सा एरो योंडु ओडोंटा का खास हथियार था, जो कि बना है याका मेटल, जो कि स्पेसिफिक सोनिक फ्रीक्वेंसीज पर रिएक्ट करता है। इस एरो को इस्तेमाल करने के लिए एक कंट्रोलर की जरूरत पड़ती है, जिसे पहनकर सही आवाज निकाली जाए तो इस एरो की स्पीड और डायरेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। यह हथियार देखने में तो काफी मामूली लगता है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है। ये एरो कई मजबूत चीजों को तोड़ सकता है और किसी को भी घायल कर सकता है। इसकी स्पीड का तो कोई जवाब नहीं, पलक झपकते ही ये कई लोगों को मार देता है। नंबर 6 पे है कैस्केड ऑफ एंशिएंट विंटर्स। फ्रॉस्ट जायंट्स के इस हथियार के बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन ये बहुत ही कमाल का हथियार है। इस कैस्केड से किसी को भी बर्फ में जमाया जा सकता है। ये हथियार पूरे के पूरे प्लेनेट को भी पल भर में बर्फीला बना सकता है। योडनहाइम के लोग इस वेपन से किसी भी प्लेनेट को बर्फ से ढककर उस पर कब्जा कर लेते थे। इस हथियार से एक फ्रॉस्ट जायंट को भी बर्फ में जमाकर मारा जा सकता है। इसे छूने की वजह से ही लोकी को पता चला था कि वो एक फ्रॉस्ट जायंट है। ये हथियार एस्गार्ड के साथ ही तबाह हो चुका है। नंबर 5 पे है कॉस्मिक रॉड। रोनन द एक्यूजर का ये हथियार, जिसे यूनिवर्सल वेपन भी कहा जाता है, बहुत पावरफुल है। ये वेपन ना सिर्फ बल्कि इसमें और भी कुछ पावर्स है। ये खतरनाक फोर्स फील्ड बना सकता है, जिससे किसी को भी मारना बहुत आसान है। यहाँ तक कि ये पावर स्टोन जैसे शक्तिशाली इन्फिनिटी स्टोन को भी संभाल सकता है, जो कि एक आम हथियार के लिए नामुमकिन है। पावर स्टोन से जुड़ने के बाद ये वेपन और भी खतरनाक बन गया था। इससे वो एनर्जी ब्लास्ट कर सकता था और एक पूरे प्लेनेट को भी तबाह कर सकता था। नंबर 4 पे है म्यूनिर। थॉर का ये हैमर हम सबका फेवरेट वेपन है। ये हथियार ना सिर्फ ताकत के मामले में आगे है, बल्कि ये थॉर की लाइटनिंग पावर्स को भी अच्छे से फोकस करता है। एनर्जी ब्लास्ट करने के अलावा ये हथौड़ा काफी तेजी से उड़ भी सकता है। म्यूनिर की सबसे बड़ी खासियत है वर्दीनेस का एन्चेंटमेंट, जिसकी वजह से सिर्फ वर्दी लोग ही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। म्यूनिर की ताकत के आगे बहुत ही कम लोग टिक सकते हैं। उरु मेटल से बने इस वेपन में कई सारी मैजिकल पावर्स है, जैसे कि हीलिंग पावर और क्लोथ जनरेशन। नंबर 3 पे है गंगनीर। ये एमसीयू का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन है। हालांकि इसकी पावर्स के बारे में कभी ज्यादा बात नहीं की गई, लेकिन ये एस्गार्ड के राजा का खास हथियार है, जिससे हम इसकी शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। गंगनीर को पहले ओडिन के पिता बोर ने इस्तेमाल किया और उनके बाद ये ओडिन को मिला, जिसकी वजह से इसमें 2 एस्गार्डियन किंग की पावर्स है। बोर और ओडिन ने इस हथियार की मदद से कई जंग जीती थी। गंगनीर एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है। इसके एक बार से ही किसी को भी खत्म किया जा सकता है। इस हथियार से डिस्ट्रॉयर को कंट्रोल किया जा सकता है और इसकी मदद से बायफ्रॉस्ट भी ओपन किया जा सकता है। ये हथियार भी एस्गार्ड के साथ तबाह हो गया। नंबर 2 पे है स्टॉर्म ब्रेकर। म्यूनिर के टूटने के बाद थॉर ने अपने लिए ये नया हथियार बनाया, जो कि एस्गार्ड का अब तक का सबसे पावरफुल वेपन है। ये हथियार ठोकने के अलावा काटने का भी काम कर सकता है। स्टॉर्म ब्रेकर थॉर की पावर्स को कई गुना बढ़ाकर प्रोजेक्ट करता है। ये हथियार बिना किसी मशीन के डायरेक्टली बायफ्रॉस्ट ओपन कर सकता है, जिससे यूनिवर्स की किसी भी लोकेशन पर तुरंत पहुंचा जा सकता है।
इसकी मदद से उड़ना काफी आसान है और ये इन्फिनिटी स्टोन्स की शक्ति का भी मुकाबला कर सकता है। इस हथियार पे वर्दीनेस का एन्चेंटमेंट नहीं है, इसीलिए सभी ताकतवर लोग इसे उठा सकते हैं, मगर सिर्फ थॉर इसकी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। नंबर वन पे है इन्फिनिटी गाउंटलेट। 6 इन्फिनिटी स्टोन से भरा हुआ ये गाउंटलेट फिलहाल एमसीयू का सबसे पावरफुल वेपन है। इस गाउंटलेट को स्पेशली डिजाइन किया गया है इन्फिनिटी स्टोन्स को अच्छे से यूज करने के लिए। इसकी मदद से लगभग सब कुछ करना पॉसिबल है। इसका यूज करके स्पेस में पोर्टल ओपन किया जा सकता है, रियलिटी चेंज की जा सकती है, माइंड कंट्रोल किया जा सकता है, एनर्जी ब्लास्ट, टाइम ट्रेवल और बहुत कुछ। ये गाउंटलेट इतना स्ट्रॉन्ग है कि यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन खत्म करने के बाद भी ये बेकार नहीं हुआ था। टोनी स्टार्क के नैनो गाउंटलेट के मुकाबले ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ये ओरू मेटल से बना है। बिना इस गाउंटलेट के सभी इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को एक साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन जब सारे इन्फिनिटी स्टोन्स और ये गाउंटलेट जुड़ जाते हैं तो कोई भी हथियार इसके सामने टिक नहीं सकता, इसीलिए इन्फिनिटी गाउंटलेट नंबर वन पे है। तो दोस्तों, ये थी एमसीयू के टॉप 10 वेपन्स के बारे में एक वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।